चलिए तैयार हैं सब लोग। भाई साहब आप यूपीएसआई का जितने एग्जाम है जिसमें जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको वो सभी एग्जाम क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो जिस जिस एग्जाम में आता है वो सारे एग्जाम कवर करेगा आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है चलें शुभारंभ करें। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा जरा। ए एंड बी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल स्टॉप। इन सॉल्विंग इट ए मेड अ मिस्टेक इन कॉन्स्टेंट टर्म। And obtained the roots as 5 and -3, while B made mistake B. Mistake in coefficient of x and obtained the roots as 1 minus 3, then find the correct equation and roots. ठीक है ना, सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? तो ये क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को सुनिए, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए यहां देखते हैं भाई। कहा ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो द्विघातीय समीकरण को इक्वालिटी इक्वेशन द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं। ए और बी एक द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना। ओके भाई, इन सॉल्विंग इट उसे हल करने में ए मेड अ मिस्टेक इन ए कॉन्स्टेंट टर्म। क्या करता है ए कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक करता है, गलती करता है, ए कांस्टेंट टर्म में गलत करता है और इस प्रकार से वह रूट 5 और -3 निकालता है। मिस्टेक करता है और मूल क्या निकालता है, मूल 5 और -3 निकालता है, ठीक है ना। ए ने कहा मिस्टेक किया कांस्टेंट टर्म में और मूल क्या निकाला, 5 माइनस 3। कहा जबकि बी मेड अ मिस्टेक इन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जबकि बी क्या करता है कि एक्स के गुणांक में गलती करता है, एक्स के कोएफिशिएंट में एक्स के गुणांक में गलती करता है और रूट और वह मूल निकालता है 1 माइनस 3 और वह मूल 1 माइनस 3 प्राप्त करता है, 1 माइनस 3 निकालता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा
हाँ भाई साहब, मैंने कहा ना कि जो भी एग्ज़ाम आप कवर करते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें मैथमेटिक्स आता है, तो मैं आपको हमेशा एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मतलब सभी एग्ज़ाम को कवर करते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए होता है वो, ठीक है ना। तो प्लीज़ हम लोग पढ़ें आगे, देखिए। हाँ, तो बी ने क्या रूट निकाला, 1 - 3, देन फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। तो कहा कि वह सही इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या होगा, ठीक है ना, और फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और उस समीकरण का रूट्स क्या होंगे, उनके मूल्य क्या होंगे, करेक्ट उसका मूल क्या होगा, सही मूल बताइए, ठीक है ना। ठीक है, सबने क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है। वेरी गुड भाई साहब, देखिए तो क्वेश्चन सबको समझ में आया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी भी समझ में आ गया ना कि ए और बी एक द्विघाती समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना, जिसमें ए कांस्टेंट टर्म को गलत करता है और वह मूल 5 - 3 निकालता है, जबकि बी एक्स के गुणांक में गलती करता है और वह मूल 1 - 3 निकालता है। तो सही समीकरण और उनके मूल ज्ञात करें, ठीक है, ओके, चलिए बनाना शुरू करें। ठीक है, देखिए मैं यहां पर बनाता हूं इसको नीचे, आप तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए ए ने कहां गलती किया, ए कहां मिस्टेक किया, कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, द्विघातीय समीकरण जो होता है, ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं और इसे x का कोफिशियंट कहते हैं, ठीक है ना, यह है x का कोफिशियंट, है ना। तो जो व्यक्ति कांस्टेंट टर्म में गलती करेगा, देखिए होता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने सिखाया था माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, आप जानते हैं ये बात ना, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जानते हैं सब लोग, पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हुआ क्या, देखिए जो व्यक्ति इसमें गलती करेगा, कांस्टेंट टर्म में गलती करेगा, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा गलत कर दिया और अल्फा प्लस बीटा क्या किया, सही किया। लेकिन जो इसमें गलती करेगा एक्स के कोफिशिएंट में, इसमें गलती करेगा, उसका मतलब यह है कि उसने यहां गलती कर दिया तो यह पार्ट सही किया, ठीक है। जो यहां गलती किया वो ये गलत हो गया और ये सही निकाला, जो यहां गलती कर दिया वो ये पोर्शन गलत निकाला और ये पोर्शन प्रोडक्ट क्या निकाला, सही निकाला, ठीक है ना। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था इसको देखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन था कि इसने कांस्टेंट टर्म गलती कर दिया, तो कांस्टेंट टर्म गलती कर दिया, सी गलती कर दिया, कांस्टेंट का मतलब सी गलती कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा तो सही होगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा सही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यह है 5 और यह है -3, तो अल्फा प्लस बीटा सही है, है ना। और दूसरा व्यक्ति ने कहां गलती किया भैया, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशियंट को गलती कर दिया, ठीक है, तो इसने एक्स के कोफिशियंट गलती कर दिया, तो इसका मतलब कौन सा, b वाला गलती कर दिया, x के कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, मतलब इसने क्या गलती किया, b गलत कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि इसका अल्फा इंटू बीटा सही होगा, तो अल्फा इंटू बीटा सही होगा, इसका मतलब 1 - -3, 1 - -3, तो -3 ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सही इसका, ठीक। तो इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आ गया, 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -3, क्या आ गया भैया, -3, तो यहां लिख दीजिए -3 = 0, ये सही समीकरण है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात को, मेरे भाई बंधु सभी समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई साहब बिहार जहानाबाद से, ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहां देखिए फटाफट तेजी है भाई साहब,
तो हमने क्या कहा कि ये गलती कहां किया, इसने कॉन्स्टेंट टर्म गलत कर दिया तो सी गलती कर दिया, जो सी गलती कर दिया तो इसका अल्फा प्लस बीटा सही होगा जो बी बाई ए होता है, और इसने कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक गलत कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत, तो इसने बी गलती किया तो इसका अल्फा इंटू बीटा सही होगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो रूट निकाला है तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, और इससे क्या निकालेंगे, इससे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ गया बताइए, इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, समझ गए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया ना। अब हमें उसका मूल भी निकालने का रहा, इक्वेशन भी निकालने का रहा, वो समीकरण क्या है, समीकरण बताइए, इक्वेशन क्या होगा बताइए, ठीक है। तो दाता इक्वेशन देखिए प्लीज, यहां देखिएगा, कल आप क्लास किए थे ना, ध्यान रखिएगा, पिछला क्लास कल मैंने द्विघातीय समीकरण को तोड़ने के लिए ही सिखाया था, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए फटाफट, बिल्कुल बात नहीं कर, देखिए तो कैसे तोड़ेंगे इसको, इसको माइनस थ्री और प्लस वन लिखेंगे, तो देखो माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस तीन में से एक दो बचेगा, तो आंसर इसका उल्टा सिखाया था ना, तो ये प्लस और ये माइनस, तो रूट हो गया थ्री माइनस वन, यही इसके मूल हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे बात सभी भाई बंधु समझ में आ रहा है ना। तो हमें एक इक्वेशन निकालने कहा और उसका मूल निकालने कहा, तो किसी भाई को दिक्कत क्या, आप मेरे बात को समझ गए, क्या बना सकते हैं बताइए ना, बना सकते हैं तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन दें आपको सेम टू सेम, ठीक है, क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइएगा, इसमें तो बहुत ही लिख दिया हूं, चलो ठीक है मैं लिख देता हूं दोबारा एक क्वेश्चन, थोड़ा फटाफट तेजी प्लीज, ए एंड बी, ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया है कलर, दूसरा कलर आ गया, कलर चेंज यहां से तो नहीं हो गया, ठीक है ना, ओके ए एंड बी सॉल्व्ड, ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इन सॉल्विंग, इन सॉल्विंग इट, इसे हल करने में क्या होता है, ए मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक इन ए कॉन्स्टेंट इन कॉन्स्टेंट टर्म, एंड फटाफट जी बनाइएगा इसको, एंड ऑब्टेंड द रूट्स सिक्स एंड टू, ठीक है ना, वाइल बी made a mistake in the coefficient of x, and obtained, ठीक है ना, एंड ऑब्टेन द रूट्स, रूट्स एज माइनस सेवन माइनस वन, ठीक है ना, देन फाइंड फाइंड द
correct equation and roots of the equation. ठीक है, सबने लिख लिया। सबका आंसर आ गया मेरे भाई। थोड़ा सा ये दो क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा बड़ा था, लिखना पड़ा मुझे, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप जो क्वेश्चन होगा उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा कम होगा, तो फटाफट तेजी में होगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज बनाइए। कंसेशन तो दे ही भाई साहब, कंसेशन तो दे ही रखा हूँ कि जब तक लॉकडाउन है तब तक जो है, जो पहले 20,500 था वो आपको मात्र जो है 10,000 में अवेलेबल है, ठीक है? चलिए, इसका आंसर, सबका आंसर आ गया, बताइए। पहले बात नहीं करिए, फटाफट बताइए आंसर। आंसर क्या है मेरे भाई लोग, बताइए। आंसर आया, बहुत अच्छा, ठीक है ना? वेरी गुड। तो आपने क्या सीखा है यहां पर? इसमें यही सीखा कि जब कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म गलत है, सी गलत है, कांस्टेंट टर्म गलत मतलब सी गलत हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा सही है। तो अल्फा प्लस 6 और 2 8, और जब एक्स का कोफिशियंट गलत है, मतलब बी गलत है, बी गलत है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा सही है, मतलब -7 × -1 सही है, तो यहां 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई लोग, ठीक है, चले, ठीक है। अब हमें इसका इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक? तो कैसे सॉल्व करना है ये? -7 - 1, 7 × 7 = 8। तो आंसर क्या लिखेंगे? उल्टा आंसर क्या लिखेंगे? +7 और +1, ठीक है? तो मेरे भाई बंधु लोग, क्या आप समझ गए? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो क्या पैसा बना लेंगे? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने उड़ा दिया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट चले, आज था तो 4 हम बकवास क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना? तो प्लीज थोड़ा सा आप फटाफट तेजी बनाइएगा, ठीक है? मेरा मकसद होता है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बताएं, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है? तो प्लीज आप हर तरह क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? ठीक है, चालू बहुत जल्द होगा मुखर्जी नगर, टेंशन मत दीजिए। जब तक मोदी जी का, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब तक आदेश देंगे तब तक हम लोग बंद रखेंगे। जब से बोलेंगे चालू करने के लिए तो ऑफलाइन भी चालू करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और हमेशा अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिए, घबराइएगा मत घर में, ठीक है ना? क्या होगा नहीं होगा सोचिएगा मत, ठीक है? चलें आगे चलें, ओके। आज 2-4 बकवास क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे झेलिए फटाफट, ठीक है ना? ओके, ठीक है। क्वेश्चन है, तेजी में लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देवेंद्र सज्जनो, मैं आपको अल्फा प्लस बीटा पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाया है, बहुत सारे, 2 दिन मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करवाया है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनसे निवेदन है कि पीछे का वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना? विकास कुमार जी पढ़े हैं, अच्छी बात है, कोर्स लिया है तो और लोगों को बताइए, थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा है ना, सबको बताएं जो बच्चे लेना चाहेंगे उनको, ठीक है ना? आपने लिया, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? चलिए, यहां देखिए,
तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था आपको इस टाइप्स के, ठीक है? तो प्लीज बिल्कुल सोचिए मत, उड़ाइए इसका आंसर, फटा दीजिए। बताइए आंसर क्या है भाई, आ गया सबका? देखिए यदि आप बैठे हैं मोबाइल के सामने, यदि आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है अपने आप से बेमानी मत कीजिए। ये कोई मूवी नहीं चल रहा है मेरे भाई, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि हम बस देखते रहेंगे तो हमको आ जाएगा। नहीं, जो आपको बनाने दिया गया है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप उसे बनाइए, आप उसे लिखिए, आप समझिए। सिर्फ आप बैठे रहेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना? और हमें एग्जाम, मतलब हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो बनाइए मेरे साथ, तभी आपको मजा आएगा। आप मेरे बात को मानेंगे, मेरे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तभी आप जो है वहां भी सफल होइएगा, ठीक है ना? तो कहते हैं कि सफलता का जो सबसे पहला पायदान होता है, पहला सीढ़ी जो होता है, वो डिसिप्लिन होता है। आप जितने डिसिप्लिन में रहेंगे उतने ही जल्दी सफलता भी मिलेगा, ठीक है ना? सिर्फ डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि अटेंशन खाली खड़ा हो गया, है ना? डिसिप्लिन हर जगह, हर काम में दिखता है, हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, वेरी गुड, बनाइए। चलिए, तो मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा एक फार्मूला, बचपन में पढ़े होंगे, देखिए ऐसे कि a माइनस बी बराबर रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। आपको ये फार्मूला याद है? याद है ना? तो उसी फार्मूला पे यहां पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना? प्लीज यहां देखेंगे देवी और सज्जनों, प्लीज यहां देखिएगा, प्लीज देखिए। कोई बात नहीं, बनाने नहीं है तो बनाया जाएगा, सिखाएंगे आपको हम, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए बात ऐसा है कि हमें निकालना अल्फा माइनस बीटा, ठीक है? तो अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? और ठीक है ना, माइनस फोर अल्फा बीटा। आप इस फार्मूला को लिख लीजिए, ठीक है ना? मैं अलजेबरा जब पढ़ाया था आपको, या पढ़े होंगे अलजेबरा पहले, तो आपको सब कुछ इसमें मालूम होगा, ठीक है ना? प्लीज यहां देखिए, तो हमने कहा अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। और ये हमें ऑलरेडी गिवेन है, क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन दिया है, ठीक है ना? अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है? वन दिया हुआ है, ठीक है ना? मेरे बात आप समझ रहे हैं मेरे भाई लोग? वन दिया था ना, हाँ, इसका वन दिया हुआ वैल्यू, ठीक है? देखिए, तो इक्वल टू आप क्या लिख देंगे? वन लिख दीजिए, ठीक है? अब सुनिए मेरे बात, आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां पर इक्वेशन में बी क्या बताइए, यहां पर बी है के है, तो माइनस के और बाई ए, यहां वन है तो है ना, ऐसे कहें, ठीक है? तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी क्या है? ट्वेल्व, तो ट्वेल्व बाई वन करेंगे तो ट्वेल्व रह जाएगा, ठीक? अब यहां पुट कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए पहले, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस के का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 12। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 12 चक 48, 48 अगर जुड़ जाएगा तो 49, फिर रूट लगा दीजिए तो के बराबर प्लस माइनस 7। तो ऐसे करके प्लस माइनस 7, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है ना? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, सबका आ गया? कोई दिक्कत? तो ऐसे करके प्लस माइनस 7, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना? अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है 1, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, ये 1 दे रखा है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ,
और अल्फा प्लस बीटा यहां दिया एक माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर प्लस हो गया के स्क्वायर, यहां माइनस फोर, अल्फा इंट बीटा कितना दिया है 12, तो 12 चौक 48, 48 और 1 49, फिर रूट लगा देंगे तो प्लस माइनस 7। क्या सबको समझ में आया मेरे भाई, सबका आ गया? यस और नो जवाब दीजिए, यस और नो भाई, सबको समझ में आया पक्का? ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, चले ना। बकवास क्वेश्चन है, प्लीज फटाफट उड़ाइएगा, ये भी दो क्वेश्चन और बकवास करेंगे फिर चलेंगे आगे, ठीक है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच roots alpha and beta of the equation x square minus 6x plus k is equal to 0. Satisfy the equation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20, ठीक है ना? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहा के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल अल्फा बीटा है जो इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना? ये समीकरण का मूल अल्फा बीटा है जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, है ना? तो बताइए प्लीज किस मान के लिए सेटिस्फाइड करेगा, फटाफट सभी भाई बंधु का आ गया एकदम तेजी में, फटाफट फटाफट बताइएगा। फटाफट तेजी में, इतना धीरे धीरे नहीं। चलिए यहां देखिए, बहुत सिंपल है, हमने कहा कि ये बता दीजिए आप फटाफट यहीं पर कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यहां पर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना? ये 3 बार है, 2 यहां से कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना, आप समझ रहे हैं ना? देखो ये है अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है ना? तो अल्फा बराबर 12 माइनस कर दीजिए, 6 × 12 12 8 20, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 8, तो अल्फा का वैल्यू 8 है, देखिए ध्यान से, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, तो माइनस कर दीजिए, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 है ना, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है? अब एक बात आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यहां पर क्या हो जाएगा, के, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है, सी बाई ए होता है, ठीक। अब यहां अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 8, और बीटा का वैल्यू माइनस 2, ठीक है ना? तो के का वैल्यू कितना हो गया, 8 × 16 तो −16, ठीक है ना? मेरे बात सबको समझ में आया, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, चले आगे, बहुत सिंपल है ना भाई, सबको समझ में आता है, हाँ या ना? समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 6, और इस इक्वेशन में 3 अल्फा था तो 1 अल्फा और 2 अल्फा अलग कर दिया, 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से आ गया कितना, 6,
तो 6 to the 12, तो 12 जाके माइनस किया तो अल्फा 8 आ गया। अल्फा जब 8 है तो बीटा कितना होगा? -2। तो अल्फा इंटू बीटा का सी होगा, सी बाई ए होगा, तो के आ जाएगा। अल्फा 8 है, बीटा -2, तो 8 × 16, तो के का वैल्यू कितना? -16। किसी को दिक्कत? क्या सभी लोग समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। चले आगे, बकवास क्वेश्चन है, फटाफट से जिम कीजिएगा। पी का मान क्या होगा? ठीक है ना, तो प्लीज फटाफट, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज, एकदम सिंपल। मैंने इसमें अल्फा बीटा के बारे में बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया हूँ, तीसरा चौथा क्लास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है? तो प्लीज बनाइए फटाफट। ये कहीं कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी एनडीए में, कभी सीडीएस में, कहीं कहीं पूछा क्वेश्चन है, तो उसको मैं करवा रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सीडीएस को काफ़ी हद तक जो है एसएससी फॉलो करता है, बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन जो है सीडीएस में आता है वो एसएससी पूछ लेता है, ठीक है ना? तो सब क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने क्या सीखा यहां से भैया? आपने सीखा यहां पर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, यानी बताओ, होता है ना? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है ना, और ये 40 दिया हुआ है। अब आपको सब कुछ यहाँ से हम उठा लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा? पी। ये सारे चीजें हम पिछले क्लास में, पिछले के पिछले क्लास में आपको हम सिखा चुके हैं। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे पीछे नहीं पढ़े हैं वो पीछे देख लें जरूर, ठीक है ना? प्लीज यहां देखें, तो अल्फा प्लस बीटा 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, अल्फा इंटू बीटा पी है, पी 40, तो 64 में से 40 गया और इधर 2p हो गया, ठीक है ना? तो क्या 4 × 2 = 24/2 कितना हो गया? 12, है ना? तो ऐसे करके p का वैल्यू कितना आ गया? 12। सबका आ गया ना मेरे भाई बंधु लोग? सबका आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा? समझ में सबको? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर का तो बिल्कुल हम पहाड़ लगा दिए आप लोग, ठीक है ना? वेरी गुड, समझ में आया सबको? फटाफट तेजी में करेंगे। क्वेश्चन है, इफ, इसमें पूछा क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है ना? ऐसे इसमें दम नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार पहले पढ़ लेंगे ना, और कभी दोबारा कहीं किसी एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम पहले एक एक जितने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पहले सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद जो जहां जहां से क्वेश्चन पूछा हो उसको उठा उठा के सारा आपसे करवा रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज घबराइएगा मत, ठीक है ना? इफ द सम ऑफ द
roots of the equation is equal to their product. सबको दिख रहा है ना? Their product, then find the value of k. तो k का मान क्या होगा? फटाफट तेजी बताएं. Find the value of k. K का मान बताएं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फटाफट तेजी में. फाइंड द वैल्यू ऑफ K. बहुत अच्छा. वेरी गुड. जो लाना लाइए, फटाफट लाइए. मुझे मालूम है सीजीएल मेंस में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, आपको ही मालूम है, ठीक है. लेकिन हमने कहा ना कि ये जो पढ़ा रहे हैं क्वालिफिकेशन, सभी एग्जाम को लेकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो किसमें आ जाएगा ये आप नहीं जानते, ठीक है. और आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा हूँ इसे बनाइए, ठीक है ना. बहुत इजी है लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है कहीं कहीं एग्जाम में, ठीक है ना. तो ये सभी एग्जाम को लेके हम चल रहे हैं इसमें, याद रखिएगा, ठीक है ना. ओके, तो सुनिए क्या बोला कि इसका सम और ध्यान सुनिएगा, इसका सम और प्रोडक्ट क्या है? इक्वल है. इस द्विघातीय समीकरण का मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है. इस समीकरण, ये द्विघातीय समीकरण का योग मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान क्या है? तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा के बराबर है. तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या निकालेंगे बताइए? यहां से निकलेगा माइनस टू बाई के, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा थ्री के बाई के. इसमें कोई दमी नहीं था, है ना. ओहो, बहुत दुख की बात है. इसमें भी आप टाइम ले दिए, ये फालतू में दे दिया था, है ना. चलो कोई बात नहीं, सबका आंसर आ गया, ठीक है. चले भाई साहब, ठीक है. चले, सबका आ गया. पढ़िए, बकवास मत कीजिएगा. इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी बकवास क्वेश्चन है. प्लीज हैज 10 as the sum of the roots and also as the product of roots. And find the
वैल्यू ऑफ ए एंड सी. बहुत सिंपल. सबका आ गया? हाँ इंदु जी, पहले क्लास देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ये सारे चीज पहले पढ़ा दिया ना, इसीलिए, ठीक है ना? सबका आंसर आ गया, ठीक है ना? यस. तो बहुत ही सिंपल सा कहानी है, बहुत सिंपल, ठीक है ना? कहा कि क्वेश्चन क्या है, पहले समझिएगा प्लीज. यहां देखिएगा, क्वेश्चन है कि इस द्विघातीय समीकरण का सम, सम भी 10 है और उसका प्रोडक्ट भी 10 ही है. तो कहने का मतलब क्या है कि सम और प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या है, बराबर है. दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. और वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे आप, बताइए. अल्फा प्लस बीटा तो 5/a, ये भी 10 है. और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो भी क्या है, 10 है. तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई सी. अल्फा इंटू सी बाई ए, ये भी 10 है, ठीक है? ये भी 10 है. अल्फा प्लस बीटा 5/a यहां से होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दोनों आपस में बराबर है, दोनों 10 के बराबर है, ठीक? तो 5 × 2 = 10. इसको उल्टा कर दो तो a बराबर 1/2, c और a का वैल्यू है 1/2, तो 1/2, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना? तो काट दीजिए इसको, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5. तो ऐसे करके a का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू 5, ठीक है ना? ये बकवास था, सभी भाई बंधु को आ गया समझ में, ठीक है ना? अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगा मैं, अभी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन पहले मैं सारे बेसिक क्वेश्चन को निपटा दूं पहले, ठीक है ना? अब कब तक खुलेगा, हम कैसे बता दे भाई. चलो ध्यान से फटाफट देखिए जरा, फटाफट एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा क्वेश्चन है सीडीएस में, और ये नर्सरी क्लास का है, ठीक है ना? द रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एज शोन इन द गिवन given table is table दिया है 0, 100, 1, 90, 2, 70, 3, 40, 4, 0, ठीक है ना? ऐसे करके ये table दिया है, ठीक है? अब इसके लिए चार विकल्प आपके सामने रखा है. पहला विकल्प है y इक्वल टू 100 - 10x. दूसरा विकल्प है y इक्वल टू 100 - 5x - 5x². तीसरा विकल्प है y इक्वल टू 100 - 5x² और चौथा विकल्प है y इक्वल टू 20 - x - x², ठीक है ना?
सबका आ गया। देखिए ये ऑप्शन बेस सीडी से क्वेश्चन है और दम इसमें 1% भी नहीं है, ठीक है। बात ऐसा है, मैं बताऊं, सबका आंसर आ गया, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक है ना। ओके देखिए इसमें कहा कि ये एक्स का डाटा है, ये वाई का डाटा दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन चेक करेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही सही होगा, ठीक। इसे मान लो पहला इक्वेशन, यदि हम एक्स का वैल्यू रखते हैं 0, क्या रखते हैं, एक्स का वैल्यू हम रखते हैं 0, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू हम रखेंगे 0। तो एक्स का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वाई 100 आ गया ना, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है ना। फिर एक्स का वैल्यू हम 1 लिखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 लिखो तो 10 × 1 = 10, तो 100 में से 10 गया 90, सेकेंड भी हो गया, मतलब यही सही है इसका, है ना। फिर यहां 2 लिखो, 10 × 20, ठीक है ना, यहां पर 20 है ना, तो 20 रखने पर कितना आ रहा है इसमें, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग। यदि यहां पर हम रखते हैं 2 रखते हैं तो यहां पर गलत दिया है, यहां पर 80 आना चाहिए, ठीक है ना। यहां 2 लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 10 × 20, तो 100 में से 20 गया तो क्या बचेगा, 80। यहां इक्वेशन गलत दिया है। और 3 देखता हूं, 3 देने पर 30 हो जाएगा, है ना, 3 देने पर 30 हो जाएगा, ठीक है, तो 70, 4 देने पर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, ये गलती यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है, और कोई कंडीशन है बताइए, कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन सा मारेंगे, पहला ही इसका आंसर दिया है, क्योंकि और जब पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए पुट के दिखाता हूँ, जैसे पहला कोई है इसमें यदि 0 रखा, 0 यहाँ 0 रखा तो यहाँ कितना आ गया, 100, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा रखिए, यदि वहाँ 1 रखते हैं तो 95 आता है, तो नहीं होता है। 2 लिखेंगे तो 4 × 5 = 20, तो 80 आता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं, यदि हम यहाँ पर रखते हैं 0 तो 100 आ गया, यदि 1 रखते हैं तो 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 10, तो 90 आ जाएगा। और 2 रखते हैं तो 2 रखने पर 5 × 2 = 10, और 2 × 4 = 20, तो 20 × 10 कितना आ गया, 30 = 70, तो हाँ हाँ ये भी आ रहा है कंडीशन, ठीक है ना। यहां देखिए 5 × 2 = 10 और 4 × 5 = 20, ये भी आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर 3 रखते हैं तो 5 × 3 = 15, और यहां 3 रखिए, 3 × 9 = 45, ठीक है ना। तो 45 से कितना हो जाएगा भैया, 60, तो 40, सारे कंडीशन बी सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर बी है, ठीक है ना। एक चेक कर लीजिए, 2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन बनते नहीं है, ये क्वेश्चन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है वही आंसर है, ठीक है ना। ओके इसके अकॉर्डिंग तो 2 कर रहा था, तीसरा नहीं कर रहा है, चौथा नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा कहीं और भी हो सकता है, तो मैंने इसको काट दिया, छोड़ दिया इसको। आगे चेक किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं ना। चले वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने कहा है कि क्वालिटी क्वेश्चन सभी एग्जाम को लेकर चलेंगे, तो आराम से, ठीक है ना, घबराइएगा मत, ठीक है। इफ द इक्वेशन, अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये विशेष करके एनडीए और सीडीएस में देखा गया है, ठीक है ना, और किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये 2 साल से एसएससी जो है क्वालिटी क्वेश्चन को पकड़ के चल रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा,
तो प्लीज इसका आंसर बताइए। सबका आ गया, अनीश जी, अमन जी, दीपक, इंडियन आर्मी, ठीक है। सबका आंसर है देवी और सज्जनों। इसके विकल्प हैं, मैं दिखाता हूं आपको, -11 या 4, -11 या -4, 11 या -4, 11 या 4। इसका आंसर कुछ ऐसा है मेरे भाई बंधु। अच्छा सुनिए, मैं बताता हूं आपको, क्या आपने पढ़ा है कॉमन रूट्स का, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं आप? ये कॉमन रूट्स के बारे में पढ़े होंगे, है ना, आप 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, 10वीं में नहीं है ये, 12वीं क्लास में है, 11th 12th जो पढ़े होंगे उसमें पढ़े होंगे, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो ये विशेषकर मैंने कहा ना कि NDA और ये CDS में आया, ठीक है, NDA और CDS में ही आया है, SSC में नहीं आया है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि कभी पूछ दे SSC में, मेंस वगैरह में, है ना, तो बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। हाँ सबका गलत हो गया, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ इसको, उसके बाद बताइएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बनाओ आप पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, आइए मैं इसको अगले पेज में बनाता हूँ, ठीक है। जैसे आप बनाए होंगे बचपन में कॉमन रूट्स निकालने के लिए, तो ऐसे सबको अल्फा अल्फा मान लेते होंगे, है ना, सब में अल्फा अल्फा रूट, कॉमन रूट, चलो अल्फा मत मानो, एक सी रहने दो, ठीक है। यहां देखो जरा, इक्वेशन में दोबारा लिखता हूं, 2x² - 7x, पहले समझना है इसको, ठीक है ना। मेरे भाई लोग पहले इसको समझिएगा, पहले समझ रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। देखिए तो इसको पहले समझते हैं, ठीक है ना निशान जी। अच्छा CGL में 2017 में आया था, अच्छा वेरी गुड, चलिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े थे साइंस कोई दिक्कत नहीं, आप आर्ट्स पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं सिखाता हूं आपको। चलिए यहां देखिए, प्लीज यहां देखिए, पहले आप पूरा डिटेल देखिएगा, डिटेल समझिएगा, ठीक है ना, आप बिल्कुल मत डरिएगा, सोचिएगा मत, ठीक है। तो पहले डिटेल आप पढ़िए इसको, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले यहां देखिए, पहले मैं इसको यहां लिखता हूं, इसके कोफिशिएंट क्या है 2 और इसके 4, इसके -7, इसके 8
इसके 3 और इसके -3। मैं आपको पहले डिटेल सिखाता हूं, आप यहां पर भी कर सकते थे सॉल्व, लेकिन मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ, रेलवे में भी आया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सुमित जी। अब देखिए फटाफट तेजी में, तो ऐसे बनाते हैं इसको, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और बचपन में पढ़े होंगे ना अल्फा, सब में अल्फा अल्फा लिख देते हैं, अल्फा रूट लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अल्फा मत लिखिए, एक्स ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका कॉमन रूट्स है, तो रूट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी एक्स है तो दोनों का वैल्यू, ठीक है ना। प्लीज याद देखिए, यहां लिखिए एक्स स्क्वायर, लिख लिए, ओके एक्स स्क्वायर लिखे, तो ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, और ये कॉन्स्टेंट वाला है, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर की कॉफिशियंट, ये है एक्स का और ये कॉन्स्टेंट का, ठीक है ना। तो जब एक्स स्क्वायर का लिखेंगे तो इसको छिपा देंगे ऐसे, देखो छिपा दिया, गुना करो 7 × 21, गुना करो, ये प्लस 7 × 21, यहां 21 लिख दिया, माइनस क्या कर दिया 7 × 21, इसमें गुना कर दिया, फिर इसमें गुना कर दो, इसमें 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 से करो गुना, 3 × a, तो -3 × a लिख दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए ये +2 का मैथ है, ठीक है ना, तो प्लीज आप डरिएगा नहीं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड। फिर जब x लिखेंगे ना तो ये x वाला छिपा देंगे, ठीक है, पहले हम इसको छिपाए थे तो यहां से शुरू किया, अब इसको छिपा देंगे तो यहां से शुरू करेंगे, देखिए यहां से करिएगा x वाला, इसको छिपा दीजिए, यहां से 4 × 3 = 12, यहां से कीजिए गुना 3 × 12 माइनस, यहां से किए, फिर यहां से 3 × 6 माइनस 6 ना, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 लिखिएगा, ये x स्क्वायर लिखिएगा, यहां पर x लिखिएगा और यहां पर 1 लिखिएगा 1, ठीक है, जब 1 मतलब कांस्टेंट, जब इसको लिखिएगा तो ये छिप जाएगा, ठीक है, जब इसको लिखें तो ये छिप जाएगा, छिपा दिया, फिर गुना करो ऐसे 2a और माइनस 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 7 × 28, गुना करो इसमें 7 × 28, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 28, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से देखिएगा इसे, ठीक है भाई। देखिए मैं इतना आराम से समझा रहा हूं इसको, पहले यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये छिपा लेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, फिर एक्स, तो इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, फिर वन, तो इसमें गुना करेंगे पहले, फिर इसमें, ठीक है, पहले ये शुरू करेंगे 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, तो ये शुरू किया तो 1 इसमें किया, फिर ये शुरू किया तो ये दूसरा नंबर में, ये छिपाएंगे तो तीसरा नंबर ये होगा, ठीक है ना, ऐसे गुना करते जाएंगे, ठीक है, ओके। तो एक बार इसको इससे बराबर कर देंगे और एक बार इसको इससे, तीनों बराबर है, ये ध्यान रखना, ये प्लस टू का मैथ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हाँ डिटरमिनेंट जैसा, हाँ तुम्हारा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद आ गया, अच्छा निश जी, वेरी गुड, ठीक है, डिटरमिनेंट जैसा है ना, डिटरमिनेंट है ना, तो ऐसे करके है ना। तो हम ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके समझा रहे हैं कि सब बच्चे सीख सकें, आर्ट्स के साइंस के जो है सब सीख सके, ठीक है। तो एक बार इसको बराबर कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या है 21 − 3a बराबर ये क्या है 1/2a + 28, और एक इससे बराबर कर दीजिए x, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर x बराबर ये गुना हो जाएगा, ठीक है, 12 × 6 = 18, ठीक है, और ये 2a + 28, थोड़ा डिटेल एक समझ लीजिए उसके बाद उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद हमने x का वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, जो x का वैल्यू आया यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू पुट ये चला जाएगा उधर, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, प्लीज यहां देखिएगा x का वैल्यू क्या है 18 / 2a + 28, ठीक है ना, और इसको उधर भेज दीजिए और यहां से 3 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है,
यहां से 3 कॉमन ले लीजिएगा, ले लू कॉमन, ले लिया, या चलो अभी नहीं लेता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ठीक है। 21 माइनस 3a डिवाइड बाय 2a प्लस 28, है ना। अब देखिए इससे क्या है कि एक टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से हमको a का वैल्यू, तो बहुत थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है। 18, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 14 दूनी 28, है ना, इंटू 18, और यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, 7 21 माइनस a, ठीक है ना। अब इसे काट दीजिए, इसे काटिए, 2 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, और 3 से काट दीजिए, 3 3 9, ठीक है ना। तो 18 3 54, ये हो गया 54, और इसमें इसे गुना कीजिए, a इंटू 7 7a, a इंटू a माइनस a स्क्वायर, फिर 14 से 14 97 ना, ठीक है ना, ओके मेरे भाई, 14 97, और ये 14 इंटू a, ठीक है। और सबको इधर ले आओ उठा के, ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर, और ये माइनस 7 आके प्लस 7a, 14 में से 7 गया, 7 बचेगा ना, और 98 है ना, इधर लाके, है ना, ये 98 में से हम 54 माइनस कर देंगे, कितना बच गया भैया, 44 माइनस 44 बराबर 0। अब यहां से फैक्टर करना कल सिखाया था, थोड़ा आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरिएगा मत, ठीक है ना, प्लीज आराम से जरा, ये एनडीए सीडीएस का है, हाँ, तो इसको करिए। कैसे करेंगे फटाफट तेजी में, 11 माइनस 4, ठीक है ना, 11 चक 44, 11 में से 4 गया, 7 4 11, 7, तो आंसर क्या लिखेंगे, -11, और ये माइनस है तो क्या आंसर होगा, +4, ठीक है, तो -11 और 4 -11 और 4, आपको तकलीफ हो रहा होगा, कुछ लोगों को खराब भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से फटाफट, तो क्या आंसर आया मेरे भाई, -11 4 -11 और 4, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, डरिएगा नहीं, देखो इतना बड़ा आपको देखने में लग रहा है ना, लेकिन जब सीख जाएंगे, देखिए मेरे बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि सीखने के लिए हर टाइप के क्वेश्चन सीखना पड़ेगा आपको, और डरिएगा मत आप, ठीक है ना। और जब तक आपको हर तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, तब तक आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। जिसका एग्जाम्पल 17-18 के बच्चों का है, उनसे पूछिए, जब तक उनको पूरा नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक वो बेचारे उड़ते रह जाते हैं, ठीक है, तो डरिएगा मत, ठीक है। यदि वहाँ डिसाइड करेंगे, समय रहे तो बनाएंगे, समय नहीं छोड़ देंगे, समय पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई जो नहीं कि जो टॉप करता है वो 100 में से 100 ही बना ले, अरे भाई 99 बनाने वाला भी टॉप करता है, 98 बनाने वाला भी टॉप करता है, 95 बनाने वाला भी टॉप करता है, और 90 बनाने वाला भी टॉप में आते हैं, ठीक है। तो जो 90 बनाया वो 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो क्या उसे आप क्या बोलेंगे, बहुत नकल बोलेंगे उसको, बिल्कुल कमजोर बोलेंगे, 10 छोड़ दिया, नहीं, उसका समझदारी था कि वहां पर वो नहीं कर पा रहा था विद इन टाइम, तो पहले वो 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यदि उस 10 क्वेश्चन के पीछे जिसको नहीं आ रहा था उसको, यदि उसी में लगा होता तो 90 क्वेश्चन ही बना पाता, ठीक है ना। तो हम समय के आधार पर देखते हैं, जैसा समय बचता है उसके अकॉर्डिंग बड़े प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन पहले सीखते हर तरह के हैं, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है भाई। तो एग्जाम में सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता, आपका मैनेजमेंट टेस्ट होता है, कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो ऐसे करके इसे बनाएंगे, ठीक है। मैं एक बार इसको समझा देता हूं दोबारा, क्या करना है, यहां पर है x स्क्वायर वाला, यहां x, यहां पर 1, ठीक है ना, और इसके कॉफ देखो, इसको रखेंगे तो इसको छिपा देंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां छिपाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां छिपाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे हम ऐसे करके एक बार इससे बराबर कर देंगे, एक बार इससे बराबर कर देंगे, एक्स का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा है ये, एनडीए सीडीएस के लिए विशेष करके है, ठीक है, आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप बनाइए प्लीज, फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट, चलिए बनाइए, डरिएगा मत। इक्वेशंस
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर ये है इक्वेशंस, दो दो है इसमें, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबका आ गया भाई साहब, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो कॉमन रूट्स है ना, तो आप समझ गए होंगे, कैसे समझ गए भैया, यहां क्या लिखा, वन टू माइनस थ्री, वन थ्री माइनस के, ठीक है। जो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या लिखेंगे भैया, इसको छिपा देंगे, गुना कीजिए, माइनस टू के, माइनस टू के और प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा नाइन, फिर एक्स लिखेंगे तो इसको छिपा देंगे माइनस थ्री, और माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस के, जो वन लिखेंगे तो इसको छिपा देंगे थ्री माइनस टू। ये बहुत सिंपल हो गया, देखिए अब यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसमें, इसमें देखो, यहां देखो ये यहां गुना हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ, ठीक है, गुना करो, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू के प्लस नाइन, और यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ले जाओ उधर, गुना करो माइनस थ्री प्लस के, ठीक है, ओके मेरे भाई बंधु, कुछ नहीं करना है, अब यहां वैल्यू पुट कर दो, माइनस थ्री प्लस के का होल स्क्वायर बराबर माइनस टू के प्लस नाइन, डरिएगा मत, ठीक है ना, अधिकारी बनना है तो डरना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तीन दूनी छ के हो गया, और बराबर माइनस टू के प्लस नाइन, ठीक है ना। चलिए के स्क्वायर इधर ले आइए इसको, तो कितना माइनस चार आ गया, छ प्लस दो हो जाएगा ना, और नाइन नाइन क्या हो गया, कट गया, यहां से के आ गया कॉमन, के माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दो वैल्यू के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू फोर, तो ये दोनों वैल्यू ऑप्शन में होंगे जीरो और फोर, ठीक है ना, मेरे बात सब भाई को समझ में आ रहा ना। चले मेरे भाई, ठीक है ना, ये बंद हो गया क्या, नहीं ना चल रहा ना, ठीक है ओके। क्या आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई बंधु लोग, ठीक है ना।
यहाँ से हम लोग चलते हैं अब आगे, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ मजेदार प्रश्नों का हम सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा। देखिए ऐसे प्रश्नों कैसे हम लोग हल, क्वेश्चन अभी आने वाले हैं जो आपको लगे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्लीज यहां देखिए, तो इसे डिटेल भी सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन कोई डिटेल में कहीं बनाना मत ऐसे प्रश्नों को, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को जो है देखिए ऑप्शंस देखिए, यदि हमें वन और टू पुट करते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखते हैं, वन और टू पुट करते हैं, पहले वन पुट करते हैं, तो एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो दो और एक तीन, चार और एक पांच, हुआ क्या? नहीं, तो चार एक पांच, ये फ्रैक्शन में आ रहा, ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला कट गया ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जीरो पुट करते हैं भैया, जीरो, जब जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो, जीरो पुट करते थे ये जीरो, बचेगा वन, जीरो पुट करते ये जीरो, थ्री बाई वन थ्री, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब जीरो पुट करने पर सेटिस्फाइड हो रहा है और वन पुट करने पर सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन सही, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जीरो और वन, मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाना नहीं सिखाएंगे, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखाएंगे सीजीएल मेंस के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करने का सलाह देंगे, डिटेल भी सिखाएंगे आपको हम, ठीक है ना। लेकिन आज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। तो आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं, आज इतने रखते हैं, कल इस प्रश्नों का बहुत सारे कराएंगे टाइप, आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा इतने, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।